दोस्तों जो भी ग्रेजुएशन कर चुके हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक SBI बहुत ही अच्छा मौका लेकर आया है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ अगर आपका ग्रेजुएशन फाइनल हो गया है तो आप इसमें अप्रेंटिस कर सकते हैं, जो कि अच्छी खासी वैकेंसी आया हुआ है। 6060 सीट है इसमें SBI की तरफ से, जो कि ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गया है आपका। ये आपका जो फॉर्म है वो आज ही के दिन यानी 1/9/2023 से स्टार्ट हो गया है और 21/9/2023 तक ये फॉर्म रहेगा, और इसमें आपका ग्रेजुएशन फाइनल होना चाहिए एनी डिसिप्लिन कोई भी। और इसमें जो सीटें हैं आपकी और इसका एग्ज़ाम जो है आपका जो है ये थोड़ा दिक्कत, हाँ ये अक्टूबर और नवंबर में टेंटेटिव डेट है जो कि, और इसमें जो आपका वैकेंसी आई हुई है हर रीजन की है, हर स्टेट की, तो कितनी कितनी वैकेंसी आई वो सब हम बता रहे हैं आपको। ये देखिए और आपकी कितना कितना सीट है, ये आपका टोटल सीट है इतना 6160 सीट है, और आपका जो ये वैकेंसी आया हुआ है SC का आपका टोटल 989 है, और ST का आपका जो है इसमें 514 है, और OBC का जो है 1389, और EWS का आपका 603 है, और UR का आपका 2665 सीट है। इस तरह से टोटल इधर 6160 सीट हो जाती हैं, और इधर आपका जो है PWD और जो एक्स सर्विसमैन उनके लिए है। तो कितनी कितनी सीट किस 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 स्टेट में आई हुई है वो हम बता रहे हैं आपको। तो देखिए ये गुजरात में आपका 291 सीट है, आंध्र प्रदेश में 390 है, कर्नाटका में आपका 175 है, मध्य प्रदेश में आपका 298 है, वहीं आपकी छत्तीसगढ़ में 99 सीट है, उड़ीसा में 205 है, हरियाणा में 150 है, हिमाचल में 200, और जम्मू एंड कश्मीर 100 सीट है, और लद्दाख में 10 सीट है, पंजाब में 365 है, और छत्तीसगढ़ में 25 है, तमिलनाडु में 648 है, वहीं पौंडीचेरी में आपका 26 है, अरुणाचल प्रदेश में आपका 20 है, असम में 121 है, मणिपुर में 20 है, और मेघालय में आपका 31 है, मिजोरम में 17 है, नागालैंड में 21 है, त्रिपुरा में 22 है, तेलंगाना में 125, राजस्थान में 925 है, वेस्ट बंगाल में 328 है, सिक्किम में 10 है, अंडमान निकोबार 8 है, उत्तर प्रदेश में आपका 412 सीट है, और मध्य प्रदेश में आपका ये सॉरी महाराष्ट्र में 466 है, गोवा में 26 है, उत्तराखंड में 125 है, बिहार में 50 है, झारखंड में 27, और केरल में आपका 424 है। इस तरह से आपका 6160 सीट हो जाती है, जो कि अच्छी खासी वैकेंसी है। आप जिस स्टेट में हैं हो सक आप किसी भी स्टेट से जा सकते हैं, इसे बात नहीं है, आपको कहीं कहीं हिंदी मांगा गया है और कहीं कहीं वहाँ की लैंग्वेज भी मांग ली गई है, तो देख लीजिएगा आप लोग। और इसमें आपका जो है क्या क्या ये रहने वाला है, किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, और इसमें ये जो आपका जो ट्रेनिंग जो ये अप्रेंटिस होगा इसके दौरान आपको 15,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, जो कि ठीक ठाक है। और इसमें आपका किस किस सब्जेक्ट में आएगा क्वेश्चन वो दिया हुआ है, जर्नल फाइनेंस अवेयरनेस से आपका 25 क्वेश्चन, जर्नल इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी मैथ से 25, रीजनिंग एबिलिटी कंप्यूटर एप्टीट्यूड 25, टोटल सब रहेगा आपका टोटल मिलाकर, और टाइम भी आपका टोटल दिया हुआ है आपका ये 60 मिनट का, 1 घंटे का रहेगा। तो आप लोग देख लीजिएगा जो भी इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे होंगे और इच्छुक होंगे, मान लीजिए घर बैठने अच्छा
अच्छा तैयारी भी चलती रहेगी और ये भी होता रहेगा। और आपकी फ़ीस जो है ये दिया हुआ है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 300 और एसटी पीडब्ल्यू की डिग्री का कोई फीस नहीं है, जो कि आप भी जो इस चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो ये अपडेट थी आपको बताने के लिए कि SBI में अप्रेंटिस की वैकेंसी आ चुकी है, जो कि 61,760 सीट है। अच्छी वैकेंसी है, आप लोग जाके भर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।